नमस्ते फूडीज, वेलकम टू व्हाट्सअप रवीना। और आज हम बनाएंगे एक क्लासिक डिश जिसका नाम है बैंगन का भरता। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मेनी पीपल आस्क कि इंडक्शन पे बैंगन का भरता कैसे बना सकते हैं, एंड सो मेनी पीपल थिंक कि हम इसे रोस्ट नहीं कर सकते ऐसे। सो आज हम बनाएंगे बैंगन का भरता, वो भी इंडक्शन पे, एंड टेस्ट आएगा बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे हम अपने इंडियन गैस पे बैंगन को रोस्ट करते थे। आप देख सकते हो एक साइड से ये हो गया है। ये मेरी मम्मी जब इंडिया से आई थी तब मम्मी ने फर्स्ट टाइम ऐसे रोस्ट किया और मैं हैरान होगी, मेरे को लगा मम्मी ने डायरेक्ट इंडक्शन पे कैसे रख दिया है, बट ये बहुत ही अच्छा अमेजिंग वे है। उससे पहले मैं अवन में इसको रोस्ट करती थी जो घंटे लेता था, बट दिस इज़ अ ईजी फास्ट एंड वेरी इफेक्टिव वे। तो आज हम बनाएंगे बैंगन का भरता, आप मेरे साथ बने रहिए। बहुत डिलीशियस सा एक भरता हम बना के रेडी करेंगे। बैंगन मैंने इंडक्शन पे रोस्ट कर लिया है, दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग। बिल्कुल परफेक्ट रोस्ट हुआ है, खुशबू पूरी आ रही है घर पे। और अब मैं क्या करूँगी, ये मसाला, ये अनियन, टमाटो एंड ग्रीन चिलीज चॉप कर लूँगी। मैं इसमें गार्लिक और अदरक नहीं डालने वाली हूँ। और ये जो इंडक्शन मेरा ऑब्वियसली थोड़ा सा यहाँ पे गंदा हो गया था, तो मैंने इस पर भी फटाफट से स्प्रे कर दिया है। स्प्रे किया है मैंने मिस्टर मसल्स का किचन, ये बहुत इफेक्टिव है। इफ़ यू डोंट यूज़ इट टू क्लीन योर किचन, स्टार्ट यूजिंग इट नाउ, हाईली रिकमेंड, नॉट एन ऐड। और ये पूरा क्लीन इसको कर देगा। और हम फटाफट से अब चॉपिंग करके भरता बना। मैंने पैन ले लिया है एंड इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, भी चॉप कर लिए हैं। यहाँ पे सॉटे करने के लिए रख देंगे। ये पता नहीं कहाँ से ये पीस आ गया, इट्स नॉट लुकिंग गुड, सो आई विल टेक इट आउट। अनियन को यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बहुत ब्राउन नहीं करना है, बिकॉज भरते में ना अनियन थोड़े से कच्चे अच्छे लगते हैं। वाइल द अनियंस आर गेटिंग कुक्ड, लेट मी पील एंड मैश दिस बैंगन विच इज नाइसली रोस्टेड एंड इज स्मेलिंग स्मोकी लीशियस, इफ दैट्स अ वर्ड, स्मोकी एंड डिलीशियस आई मीन। दिस पीलिंग इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ कुकिंग बैंगन का भरता। कॉमेंट बिलो अगर आपको भी ये स्टेप थोड़ा मुश्किल लगता है। Now using a fork, nicely mash this cooked बैंगन। This is roasted बैंगन। I love aubergine dishes, even outside Indian cuisine. For example, baba ganoush in Turkish cuisine is my all-time favorite. Anyway, it's time to add spices. So in spices, I have kept it very, very minimal. For example, I just added salt, red chilies and coriander powder. मैंने इसमें हल्दी भी नहीं डाली है, मैंने इसमें कोई गरम मसाला नहीं डाला, because I want वो बैंगन का raw taste, वो smoky flavor. I don't want to lose it with the other masala flavors. So बहुत ही कम मसाले आपको यहाँ पर डालने हैं, बिल्कुल बेसिक, नमक, मिर्ची और धनिया। लेट द टोमेटो कुक। और ऑबर्जीन हमारे मस्त मैश हो गए हैं। टोमेटोज को तब तक कुक करना जब तक वो मशी ना हो जाए, लाइक यू कैन प्रेस देम विद द स्पैचुला, तब तक कुक देम। और यहाँ पे मैंने रोस्टेड बैंगन जो मैश कर लिया था उसको इसके अंदर डाल के बहुत अच्छे से हम यहाँ पे इसको मिक्स 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 कर देंगे। दिस इज़ द टाइम टू मिक्स ऑल द फ्लेवर्स। यू नो द सीक्रेट ऑफ मेकिंग बैंगन का भरता इज़ ये जो इन्ग्रीडियंट्स की फ्रेशनेस और बैंगन की स्मोकीनेस है, इसको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है और जो फ्लेवर्स आएंगे, दैट इज़ वॉट मेक दिस डिश वेरी वेरी डिलिशियस, वेरी वेरी डिलिशियस। Now let's quickly cover it, and this is where the magic happens, the symphony of flavors coming together. And
And in the background, let me clean the mess I have created. This is a very nice scraper. I got it from Temu and it really helps me get rid of all the, you know, things which get spilled on induction, and it becomes crystal clear like a glass after the scrubber. While the बैंगन का भरता is getting cooked, let me show you ये construction हमारे घर के सामने जो हो रही है. एंड oh my god, they are so fast. Like every day उनका एक नया floor बन के ready हो जाता है. And they use such advanced techniques to do the construction. It's amazing. बहुत ही delicious भरता बन के ready है और इसको हम खाएंगे फुलके और रायता के साथ. Look at this bowl. Few minutes later, everything is gone. So you can imagine कितना tasty भरता बना होगा. और अब आप क्या कर रहे हो, जल्दी से बैंगन को रोस्ट करके आप भी tasty सा भरता बनाओ और मुझे ज़रूर बताना how it turned up.